नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई कुछ सालों पहले जब गाड़ियों में आग लगता था तो उसको बहुत सीरियस तरह से लोग लेते थे कि कैसे गाड़ी में आग लग गया। और तो और जिस कंपनी की कार्स होती थी उनको भी लपेटे में ले लिया जाता था कि इनकी गाड़ी बेकार है, आग लग जाता है। लेकिन आज के टाइम पर जब कोई ऐसा केस सामने आता है तो लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हफ्ते दो हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा केस कहीं ना कहीं से सामने आ जाता है और उनके तमाम अलग अलग रीजंस भी होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस को देखा गया है। हालांकि इसके अलावा भी कई बार अलग तरीकों से गाड़ियों में आग लग जाता है जिसका लोगों को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, और ऐसा ही कुछ आपको आज भी देखने को मिलेगा। यह पहला इंसिडेंट गुजरात से मिस्टर दर्शील ने शेयर किया है। भाई ने बताया कि अहमदाबाद में दिवाली में रात के समय किया सेल्टॉस रोड पर जा रही थी, तभी कुछ पटाखे गाड़ी के फ्रंट साइड में फंस गए जिस वजह से इसमें आग लग गई, और देखते ही देखते एसयूवी का आगे वाला हिस्सा और केबिन जलकर राख हो गया। दिवाली के टाइम पर पूरे इंडिया में पटाखे जलाए जाते हैं और ये पटाखे काफी जबरदस्त भी होते हैं, और इन्हें ज्यादातर आपने देखा होगा लोग सड़कों पर फोड़ते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, बाय चांस आपकी नजर इन पर पड़ जाती है तो बहुत अच्छा है, आप अपने गाड़ी को थोड़ा दूर ही रोक लें, वरना गलती से अगर ये नीचे आ गए तो कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे ही, जैसा इसमें दिख रहा है। हालांकि यहाँ थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। गाड़ी के इंजन वाले हिस्से में आग पकड़ा है और ये वहीं से फैलते हुए चला गया है, जिस वजह से इसका डैशबोर्ड भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया और सीटें वगैरह भी जल गई हैं। ओवरऑल गाड़ी टोटल लॉस में जा चुकी है, पर अच्छी बात ये थी कि इसमें किसी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचा, सभी सेफ हैं। बात करते हैं अगले इंसिडेंट पर जो मिस्टर राजेश ने शेयर किया था। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह इंसिडेंट रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के मारियांग गेकू में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मारियांग गेकू के बीजेपी एमएलए श्री कांगोंग ताकूजी अपने फोर्ड एंडेवर से किसी मीटिंग में गए हुए थे, और जब वो मीटिंग प्लेस के अंदर थे तब उनका ड्राइवर बिना किसी को इन्फॉर्म किए चुपके से गाड़ी निकाला और सीधा अपने गर्लफ्रेंड से मिलने या उसे घुमाने के लिए चला गया, और उसी के कुछ देर बाद अचानक से गाड़ी में आग लग गया। बताया जा रहा कि ड्राइवर शायद नशे में भी था। हालांकि आग लगने का रीजन एग्जैक्टली क्या था वो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जो भी हुआ है ड्राइविंग करते समय हुआ है। गाड़ी चल रही थी और इसमें धुआं वगैरह निकलने लगा, जिसको देखकर ड्राइवर ने बीच सड़क पर गाड़ी रोकी और तुरंत स्पॉट से भाग गया। अब उस समय उसके साथ कोई था या नहीं वो मेंशन नहीं है, लेकिन बताया जा रहा कि आसपास के लोगों ने आग पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रोल नहीं कर पाए और देखते ही देखते पूरी एंडेवर जलकर राख हो गई। आप क्लियरली देख सकते हैं गाड़ी में कुछ भी सेफ नहीं बचा है, इसका हर साइड बाहर से लेकर अंदर तक सब कुछ बुरी तरह से जलकर राख हो गया है। अब भाई ये को इंसिडेंट था या कुछ और था उसके बारे में तो नहीं बोल सकते हैं। हालांकि कई बार देखा गया है कि ये ऐसे महंगे गाड़ियों में भी अपने आप आग लग गया है, जिसका रीजन सिर्फ कंपनी वालों को पता होता है क्योंकि वो बाहर बताते नहीं है। हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ड्राइवर साहब ने ही नशे में कुछ कांड कर दिया हो और मैटर सीरियस होता देख स्पॉट से भाग लिए हो। जो भी हो, अच्छी बात ये थी कि किसी को इसमें नुकसान नहीं पहुंचा, ड्राइवर पूरी तरह सेफ है। हालांकि बाद में शायद भाई सेफ ना रह पाए हों, क्योंकि एक तो ये बिना बताए गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गाड़ी लेकर निकल लिए, ऊपर से इनके चक्कर में इतनी महंगी गाड़ी जलकर राख हो गई, और महंगी तो छोड़िए फोर्ड एंडेवर जली है जिसको नई खरीदा भी नहीं जा सकता है। अब इस जगह एमएलए साहब की फॉर्च्यूनर होती तो शायद उतना दुख ना होता। कुल मिलाकर भाई की वाट लग गई होगी। आपको क्या लगता है एंडेवर में आग लगने का रीजन क्या रहा होगा, कॉमेंट में बताइए।